दोस्तों हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू प्रोफेशन वीडियो के साथ। और आज का प्रोफेशन वीडियो है ऑटोमोटिव टेक्नीशियन। तो दोस्तों आज मैं आपको ऑटोमोटिव टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके टेस्ट में आ सकता है या आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी ऑटोमोटिव टेक्नीशियन है तो आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, इंशाल्लाह आज आपको कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। आज जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इस तरह की यूजफुल वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो उसमें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज जो मैं आपको ऑटोमेटिक टेक्नीशियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ में शेयर किया है। इन्होंने अभी ऑटोमेटिव टेक्नीशियन का टेस्ट दे के आया दोस्तों और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया। इनका नाम है प्रदीप कुमार। तो प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करने के। दोस्तों आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आप किसी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। आप जो मुझे बताइएगा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करिएगा, उस बेसिक पे मैं वीडियो बना के दूसरे भाइयों को मैं बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिव टेक्नीशियन से रिलेटेड किस तरह से आपका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। आपको थ्योरी टेस्ट के लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलता है दोस्तों, जिसमें आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब दोस्तों एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 आंसर रहेगा, जो सही आंसर रहता है आपको उस पर सिर्फ क्लिक करना है। ओके, तो मैं आपको दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और उसका सही आंसर जो रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप उसको याद रखिएगा। अगर आपको सामने में इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो आपको जो ऑप्शन रहेगा आप ऑप्शन जो सही आंसर रहता है आप उस पर सिर्फ क्लिक करना है। ओके, तो चलिए आप देख लेते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चन है जो आपका ऑटोमेटिव टेक्नीशियन में एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिव टेक्नीशियन के बारे में जो मैंने प्रदीप भाई के हेल्प से आप लोगों को बताया। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन उनको मिले क्वेश्चन आपको भी मिले, हो सकता है कुछ सिमिलर रहे, हो सकता है कुछ डिफरेंट भी रहे। इसलिए दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इसे एक हिंट समझिएगा कि आपके सामने में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप भी अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्जाम कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम हो रहा है। अगर आपको अपना काम के बारे में बेसिक नॉलेज भी है तो आप आसानी से पास कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है या मन में किसी तरह डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको कमेंट जितना जल्दी हो सके मैं आपको कमेंट कर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह यूजफुल वीडियो बना कर लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वो जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।